तुम्हारी चैनल वीजा गाइड देखने वाले आप सभी फ्रेंड्स का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। चैनल शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि फर्स्ट टाइम जो व्यूअर इस चैनल को देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो लाल कलर का आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं इस चैनल पर जॉब, इमिग्रेशन, वीजा, ट्रेवलॉग की रिसीट बना के डालता रहता हूँ जो काफ़ी इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल होता है। इन्होंने सब्सक्राइब कर लिया उन्हें मैं थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ। साथ ही साथ जो बेल का बटन जरूर क्लिक करिएगा, नोटिफिकेशन अपडेट रहेगा तो मैं कोई वीडियो डालूंगा वो सीधे आप तक पहुंचेगा और कोई वीडियो आपसे मिस नहीं होगा। तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारे इस YouTube फैमिली के साथ में जरूर जुड़िए। और साथ ही साथ आप हमारे Facebook ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, WhatsApp ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं और हमारे Facebook पेज को आप लाइक भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, काफ़ी सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि फिलीपींस का वीज़ा कैसे लें, तो आज मैं आपको बताऊँगा। कई लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि फिलीपींस का वीज़ा कैसे लें, तो आज मैं आपसे बात करूंगा फिलीपींस का वीज़ा आप कैसे ले सकते हैं। काफ़ी सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि फिलीपींस का वीज़ा कैसे लें, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि फिलीपींस का वीज़ा आप कैसे ले सकते हो। काफ़ी सारे ट्रैवलर ऐसे हैं जो फिलीपींस जाना चाहते हैं और फिलीपींस जाने के लिए चाहिए वीज़ा और वीज़ा कैसे लिया जाए। तो फिलीपींस अगर आपको जाना है तो उसका दो प्रोसेस है। एक प्रोसेस बहुत ही आसान है, आप अगर आप फिलीपींस जा रहे हो तो आपको वीज़ा ऑन अराइवल कैसे आप ले सकते हो, सिंपल है। अगर आप फिलीपींस अगर आप जा रहे हो, आपको वीज़ा ऑन अराइवल लेना है तो अगर आपके पास वैलिड वीज़ा अगर US का है, UK का है, ऑस्ट्रेलिया का है, जापान का है, कनाडा का है, सेंगेन वीज़ा है, सिंगापुर का वीज़ा है, अगर ये कंट्री का आपका वैलिड वीज़ा है तो आप फिलीपींस जा सकते हो, आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा। सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए कि अगर आप सिंगापुर का वीज़ा ले लेते हो, सिंगापुर का जो वीज़ा है वो आपका 1800 रुपये का आपको मिल जाएगा, 1700-1800 रुपये का, और आराम से आप सिंगापुर का वीज़ा, मल्टीपल एंट्री का वीज़ा आपको 2 साल का मिल जाता है। तो आप सिंगापुर से फिलीपींस जा सकते हो और सिंगापुर से फिलीपींस का जो किराया है वो काफ़ी कम है, आपका 7 से 8 हज़ार रुपये, 6 हज़ार रुपये आपका टिकट पड़ेगा सिंगापुर से अगर आप फिलीपींस जाते हो घूमने के लिए। तो सबसे बेस्ट रहेगा, आपको फिलीपींस का वीज़ा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा अगर आप सिंगापुर जाते हो तो। सिंगापुर अगर आप सिंगापुर का वीज़ा आपके पास है जो कि ईज़िली मिल जाता है, मैं ये नहीं कहता हूँ US, UK, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कनाडा और सेंगेन वीज़ा काफ़ी मुश्किल से मिलता है, लेकिन सिंगापुर का वीज़ा काफ़ी ईज़िली मिल जाता है। तो अगर आपके पास वैलिड सिंगापुर का वीज़ा है तो आप फिलीपींस में जा सकते हो। 14 डेज के लिए आपको वहाँ पे एंट्री मिलेगा और 14 डेज आप फिलीपींस में रह सकते हो। अगर आप घूमने के लिए जा रहे हो तो 14 डेज बहुत है आपका आपका फिलीपींस में घूमने के लिए। तो सबसे अच्छा तरीका है कि अगर आपके पास सिंगापुर का वीज़ा है तो आप फिलीपींस जा सकते हो, लेकिन वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, तो ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी गुड है। तो बाकी के जैसे भी कोई अपडेट होता है वो मैं आप लोग के साथ में शेयर करता रहूँगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।